95 वर्षीय व्यक्ति अपने डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए गया। डॉक्टर ने पूरी जांच की और कहा, अरे बूढ़े जवान, आप 95 की उम्र के लिए बहुत अच्छा जी रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर पर मेरे यौन जीवन का क्या? तब डॉक्टर ने उसकी ओर देखकर पूछा, उसके बारे में सोचना या उसकी बातें करना? तो जीवन के कुछ चरणों में आप सिर्फ इसकी बातें करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, कभी कभी आप इसमें लिप्त होते हैं। ये जीवन के गुजरते हुए चरण हैं। आपके लिए ये किस हद तक जरूरी हैं, इसे आप सबसे अच्छा तय कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप में जीव विज्ञान नहीं है, आपकी शारीरिक जरूरतें नहीं है? आप में है, ये ठीक है, पर इसे आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपके जीवन का मूल हिस्सा, क्योंकि इससे आप में एक कमी आ जाएगी। आप एक प्राणी थे जो पूरी तरह से शारीरिक था, फिर आपका विकास हुआ और अब आप में शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धि है। देखिए, जानवरों की बुद्धि सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है। भोजन कैसे पाया जाए, अपना साथी कैसे पाया जाए, यही उनका पूरा जीवन है। अगर मानव बुद्धि भी इसी तरह काम करे तो आप विकास की प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे हैं। आप वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की प्रक्रिया को पीछे ले जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास शरीर नहीं है। शरीर की अपनी जरूरतें हैं, जैसे कि शारीरिक भूख है, वैसे ही कामुकता है। आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है, पर किस हद तक ये आपको चुनना है। पर निश्चित रूप से ये आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि और चेतना को मुख्य हिस्सा बनाने की विकास योजना को पीछे ले जा रहे हैं। इसके बजाय आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं। आप जानते हैं कि वीर्य आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है, चाहे आप पुरुष हो या महिला, क्योंकि यह आपका 50% हिस्सा है। हाँ, हमारे पास त्वचा है, हमारे पास कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं, दिल, लिवर, किडनी, बहुत सी चीजें हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है, पर वीर्य में असाधारण शक्ति है। ये एक नया जीवन बना सकता है। आज आप एक उपकला यानी एपिथीलियल कोशिका लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता यहाँ भी है, पर उस तरह की क्षमता नहीं है जितनी कि उस कोशिका में है जिसे आप वीर कहते हैं। तो